Hello everyone, welcome to our YouTube channel Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Today is our 41st lecture. हमने अभी तक SSC JEE 2019 के revision class हम लोग study कर रहे हैं power system का, जिसमें 40 classes हम लोग study कर चुके हैं. क्या study कर चुके हैं उसमें? तो हम लोग अभी तक उसमें study कर चुके हैं पूरा transmission, distribution, generation, economic consideration of electrical power. Clear? After that, हम लोगों ने fault in power system study किया, then हमने switchgear protection study किया, then हमने वो ने estimation in costing, then finally utilization of electrical power. पूरी power system को 5 हिस्सों में divide किया था, जिसमें से 4 हिस्से जिनका हम लोग overall theory study कर चुके हैं और उनके 50-50 questions का practice यानी 200 questions का practice भी कर चुके हैं. Last हमारा 5th chapter चल रहा है. 5th chapter कौन सा वाला? हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, जिसका थ्योरी एस्टिमेशन कॉस्टिंग यूटिलाइजेशन सबका थ्योरी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं. हम लोगों का प्रैक्टिस, हम लोगों को 50 क्वेश्चन का आज स्टार्ट करना है. तो आ जाइए, स्टार्ट करते हैं. बिल्कुल यहां आ जाइए. तो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे. यहां आ जाइए. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों की आंखों के सामने है, दिस वन, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन दोनों के आप लोग आंसर देंगे, दोनों क्वेश्चन के आंसर देंगे. गिव मी द आंसर फॉर दिस वन. यहां आ जाइए. क्लियर? हाँ भाई, बताएंगे आप लोग आंसर. मनीष का आ गया है, अभिषेक का आ गया है, बहुत बढ़िया. सबसे पहले जो वेल्डिंग के लिए हम लोग रेक्टिफायर यूज करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग वेल्डिंग के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ती है लो वोल्टेज और करंट क्या, हाई करंट. तो ध्यान रखना दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. तो रेक्टिफायर जो हम लोगों को वेल्डिंग के लिए चाहिए उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होना चाहिए, ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए. क्लियर? सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे. इन सभी लेंथ में से जो आप लोगों को गिवन है, बताओ सबसे ज्यादा ब्राइटनेस वाली यानी सबसे ज्यादा ब्राइटर कौन सी होती है? इन सभी लेंथ में से सबसे ज्यादा ब्राइटनेस जो है वो कौन सी लेंथ की है? वो है आप लोगों की सोडियम डिस्चार्ज लेंथ की. कौन सा वाला? सोडियम डिस्चार्ज लेंथ. तो फर्स्ट वाले का आंसर सबका आया था, अभिषेक, मनीष. सेकंड वाला आंसर गलत आ रहा है बेटा. ध्यान रखना एच लैंप का मतलब क्या है? एच का मतलब है हेडलाइट. हेडलाइट होती है व्हीकल की, मान लो किसी गाड़ी की हेडलाइट ऑफ व्हीकल. तो किसी गाड़ी की, किसी व्हीकल की जो हेडलाइट है ये वो वाला लैंप है. तो ध्यान रखना उससे भी ज्यादा ब्राइटनेस किसका होता है? सोडियम डिस्चार्ज लैंप का होता है. सो द करेक्ट आंसर इन सभी लैंप में से सबसे ज्यादा ब्राइटनेस वाला कौन सा है? सोडियम डिस्चार्ज लैंप. कौन सा है? सोडियम डिस्चार्ज लैंप. स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, आज के लेक्चर के साथ इसकी पीडीएफ अटैच कर दी जाएगी. इज इट क्लियर? नहीं बेटा, हेलोजन लैंप नहीं है. आकर्ष, दिस इज एच लैंप, इज हेडलाइट ऑफ व्हीकल वाला जो है ना, दिस इज नॉट हेलोजन लैंप. नहीं नहीं, दिस इज नॉट हेलोजन. क्लियर? चलेंगे आगे. हेलोजन होता तो ऑफकोर्स हेलोजन होता. सबसे ज्यादा ब्राइटनेस मैंने आप लोगों को हेलोजन की लिखाई है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग. बताइए भाई, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देंगे. यहां आ जाइए. द बेस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर हीटिंग एलिमेंट, बताओ इन सब में से सबसे बेस्ट सुटेबल मटेरियल हीटिंग एलिमेंट के लिए कौन सा है? टेल मी द आंसर, गिव मी द आंसर. दिस वन, बिल्कुल यहां पर आएगा नाइक्रोम. ध्यान रखना सबसे अच्छा मटेरियल कौन सा है हीटिंग मटेरियल, तो ध्यान रखना नाइक्रोम. इसका कारण लिखना, अपनी कॉपी में लिखो नाइक्रोम, लिखिएगा नाइक्रोम, बिकॉज लिखना, बिकॉज इट डज नॉट ऑक्सीडाइज लिखिएगा, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज एंड बर्न इजीली एट हाई टेम्परेचर. दैट इज इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट,
हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन मेटल्स. मेटल्स के कंपैरिजन में इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हायर होता है. क्लियर. नेक्स्ट आ जाओ, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल यानी इंसुलेटर की हीटिंग के लिए क्या यूज करते हैं? तो कल ही बताया था, कौन सा वाला ऑप्शन आ जाएगा? बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर. डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग हम लोग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल यानी इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए यूज करते हैं. कौन सी हीटिंग? दिस इज डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग. कौन सा वाला? डाई इलेक्ट्रिक. बिल्कुल अंकित. एंड कंडक्टिंग मटेरियल के लिए इंडक्शन हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा. चलेंगे चलेंगे चलेंगे. क्लियर. नेक्स्ट आ जाइए, दिस इज गिव मी द आंसर फॉर दिस वन. आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, आंसर देंगे. राहुल ओनली वन सब्जेक्ट हो गया अपना, है ना? हाँ हाँ भाई. सेलेक्टिंग अ हीटिंग एलिमेंट, जब हीटिंग एलिमेंट को सेलेक्ट किया जाए तो बताओ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट का क्या होना चाहिए? तो बताओ हीटिंग एलिमेंट में ज्यादा ज्यादा हीट एलिमेंट चाहिए, हीट चाहिए, तो आई स्क्वायर आर लॉस ज्यादा चाहिए. तो आई स्क्वायर आर लॉस के लिए आप लोगों का रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, और रेजिस्टेंस ज्यादा होने के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होना चाहिए? हाई. ध्यान रखना, हीटिंग एलिमेंट के लिए आई स्क्वायर आर लॉस ज्यादा चाहिए, तो लॉसेस के लिए हीट के लिए लॉस चाहिए, लॉस के लिए आर का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, तो हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. सो डी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर, आगे चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आ जाइए. यूटिलाइजेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको याद है, रिमेंबर मेमोराइज करने के लिए है, फिर भी अच्छे क्वेश्चन से, मतलब आप लोगों के एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ना सारे. आप लोग इसका आंसर बताएंगे बेटा. आप लोगों को कैंडल पावर दे रखी है, और आप लोगों से क्या पूछा है? फ्लक्स पूछा है. आप सबको पता है फ्लक्स की यूनिट ल्यूमिन्स होती है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैंडल पावर इंटू 4 पाई. ध्यान रखना, जब कैंडल पावर साफ साफ नहीं लिखी हुई हो तो आपकी एमएससीपी होती है. एमएससीपी का मतलब मीन स्फेरिकल कैंडल पावर. कल फॉर्मूला लिखाया था एमएससीपी का, ल्यूमिन्स अपॉन 4 पाई. तो 4 पाई से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे. क्या? 4 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे. यहां आ जाए, बताओ कैंडल पावर कितनी है? 45. एंड दिस इज 4 पाई एज इट इज. तो ये आप लोगों का कौन सा वाला आंसर आ रहा है? आप लोगों ने लगाया 7 में. सॉल्व करो इसको, यही वाला आ जाएगा 565.2 ल्यूमेंस. ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर. क्या हुआ राहुल, क्या पूछ रहे बेटा? R और, अरे बेटा ये तो सिंपल है ना, R इज इक्वल टू रोयल अपॉन ए होता है ना बेटा. इसे रेजिस्टेंस कहते हैं और ये रेजिस्टिविटी, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं. रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये तो पता होगा ना बेटा. हैं राहुल क्या कर रहे हो बेटा, बेसिक सी चीजें पता नहीं है. कैसे काम चलेगा? ठीक चले, यहाँ आ जाओ. कैंडेला इज द यूनिट ऑफ, नहीं पवन ऐसा किसने कह दिया? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस वैल्यू होता है ना, ऐसा थोड़ा ना होता है पवन. किसने कहा? वो फ्यूज वाले कंसेप्ट पे मत जाओ, उसके लिए तो मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो है हम लोग लो रखते हैं, बट रेजिस्टेंस हाई इसलिए रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आई स्क्वायर आर लॉस हो, वो मटेरियल के बारे में नहीं है. कैंडेला किसकी यूनिट है? एवरीवन नोज. किसकी आएगी? बिल्कुल ल्यूमिनस इंटेंसिटी की. ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? कैंडेला. कल लिखवाया है वो फॉर्मूला, एमएससीपी का कल लिखवाया है. ठीक है, इज इट? नहीं गलत लिखा हुआ है पवन. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए ना हीटिंग एलिमेंट का. मुझे स्क्रीनशॉट भेजना कौन सी बुक में देखा है आपने, और नाम भी लिख के भेजना कौन सी बुक का स्क्रीनशॉट है ना. ठीक है पवन, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाओ. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे निर्भर करता है? अरे राहुल किसी पे निर्भर नहीं करता बेटा, फिक्स होता है. हर मटेरियल का रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फिक्स होता है.
ठीक है। हाँ भाई, इलेक्ट्रोड्स यूज्ड फॉर वेल्डिंग एल्यूमिनियम एलॉयज। बताओ आपको एल्यूमिनियम एलॉयज की वेल्डिंग करनी है, बताओ इसके लिए कौन सा इलेक्ट्रोड आप लोग लेंगे? तो ध्यान रखना, उसके लिए आप लोग हार्ड ड्रोन कॉपर वाला मटेरियल लेंगे। क्यों? ड्यू टू हाई कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी काफी हाई होती है। दिस इज क्लियर, आई थिंक क्लियर होगा। यहां आ जाए नेक्स्ट। बिल बताना है, एनर्जी कंजप्शन बता दो पर डे यानी एक दिन का। एनर्जी कंजप्शन पावर इनटू टाइम, सारे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, बताओ कितना कितना है। 5 फैन 60-60 वॉट के और 5 ट्यूबलाइट 40-40 वॉट की, सब 5-5 घंटे के लिए है। तो 5 फैन 60 वॉट के 5 घंटे के लिए, प्लस कितने फैन है, ट्यूबलाइट है, 5 ट्यूबलाइट 40-40 वॉट की, ये भी कितने टाइम के लिए, 5 घंटे के लिए। चलने दो आगे। एक रेफ्रिजरेटर 120 वॉट का, एक रेफ्रिजरेटर 120 वॉट का, कितने घंटे के लिए, 10 आवर्स डेली, 10 आवर्स डेली। तो ये ओवरऑल आपको एनर्जी कंजप्शन बताना है, बताइए कितना आ रहा है। आई थिंक ये सब वॉट में आएगा, तो आप किलो वॉट में चेंज करेंगे तो 3.7 हो जाएगा, 3.7 किलो वाट आवर्स। क्लियर? ये देखो अभिषेक बैठे बैठे, मैं भी 3.7। क्लियर है? क्लियर, चलेंगे आगे। नेक्स्ट, इसका आंसर दें। वेयर इज द कार्बन आर्क लैंप कॉमनली यूज, बताओ कार्बन आर्क लैंप कहाँ यूज होता है। गिव मी द आंसर, कल ही लिखवाया है आप लोगों को। बताएंगे, बिल्कुल कल ही लिखाया है। कार्बन आर्क लैंप का यूज सिनेमा प्रोजेक्टर्स में और गदर लाइट में। अरे गदर मूवी से बताया था ना एग्जांपल, सर्च लाइट में यूज होता है, ठीक है ना। तो सर स्ट्रीट लाइटिंग में क्या यूज होता है, इसमें सोडियम एंड वेपर लैंप यूज होती है, सोडियम या वेपर लैंप। फोटोग्राफी और डोमेस्टिक लाइटिंग में, इन दोनों में, इन दोनों के दोनों में हमारी इनकैंडेसेंट लैंप यूज होती है। कौन सी लैंप? इनकैंडेसेंट, सोडियम एंड वेपर नहीं, मरकरी वेपर, ये लिखो। इन दोनों में हमारी इनकैंडेसेंट लैंप यूज होती है। दिस इज स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लें। क्लियर? आगे चलेंगे। हेलोजन वाला बेटा प्रवेश, कौन सा वाला होता है, हेलोजन वाला। चलेंगे गैसियस डिस्चार्ज लैंप में आएगा शायद, हेलोजन उसी में लिखवाया है मैंने, चेक करना। हाँ भाई, इसे लिखेंगे, बताएंगे आप। क्या हुआ मनीष? सर बुक सेंटर से जाके बाई कर सकते हैं। बिल्कुल मनीष, मिल जाएगी बेटा ना, मिल जाएगी। राहुल किसका आंसर बता रहे हो बेटा? बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसी पे डिपेंड करेगा ना, किसी पर्टिकुलर मटेरियल का फिक्स होता है, बताया तो बेटा कंपोजिशन ऑफ मटेरियल पे तो डिपेंड करेगा ही, किस किस मटेरियल का बना हुआ है, मैंने बताया ना किसी पर्टिकुलर मटेरियल का फिक्स होता है। क्वेश्चन बताओ राहुल, क्या दिक्कत हो रहा है, क्वेश्चन बताओ बेटा। फिलामेंट लैम्प ऑपरेट नॉर्मली एट विच पावर फैक्टर, बताओ फिलामेंट लैम्प किसको बोलते हैं, बल्ब को। तो यूनिटी पावर फैक्टर होता है, प्योर रजिस्टिव होता है, कौन सा, प्योर रजिस्टिव होता है। क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर होगा। कल यूनिट बताइए आपको, एफिशिएंसी ऑफ लैंप, एफिशिएंसी जिसे लैंप एफिशिएंसी कहते हैं, क्या यूनिट होती है, ल्यूमिन्स पर वॉट,
लैंप एफिशिएंसी की यूनिट क्या होती है? ल्यूमेंस पर वॉट। क्लियर? क्लियर होगा? चलेंगे आगे, चलेंगे। दिस इज, यहां आ जाए, बताएंगे इसका आंसर। द गैसियस डिस्चार्ज लैंप विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वेपर इज फिल्ड। अभी बताया कौन सा मेटल वेपर होता है? तो मरकरी होता है, बिल्कुल। कौन सा वाला? मरकरी वाला, बिल्कुल। इसकी जगह सोडियम या इसकी जगह आर्गन भी आ सकता है। ये सब गैसियस डिस्चार्ज लैंप के टाइप्स हैं, ठीक है ना। ये सब गैसेस यहां पर फिल की जा सकती है मेटल वेपर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नीड द हाईएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन। किसको रिक्वायर्ड होगी? बिल्कुल सबका आंसर सही है, प्रूफ रीडिंग के लिए। किसके लिए? प्रूफ रीडिंग के लिए। आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं, ठीक है ना। दिस वन आंसर बताएंगे। ये लाइक वाइक कैसे नहीं हुए भाई अभी तक? जितने लाइव हैं उतने लाइक नहीं दिख रहे हैं। हाँ भाई, फ्लोरेसेंट लैम्प में फंक्शन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है? तो कैपेसिटर का काम फ्लोरेसेंट लैम्प में पावर फैक्टर को इंप्रूव करना होता है। इंप्रूव द पावर फैक्टर, क्यों? क्योंकि फ्लोरेसेंट लैम्प का पावर फैक्टर बहुत लो होता है, बहुत ज्यादा इंडक्टिव होता है फ्लोरेसेंट लैम्प, इसलिए उसका पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं, ठीक है। यहां आ जाए, इनकैंडेसेंट लैम्प किसे कहते हैं? सबको पता है ट्यूबलाइट को कहते हैं। किसको कहते हैं? ट्यूबलाइट को, सॉरी बल्ब को, सॉरी इनकैंडेसेंट लैम्प किसको बोलते हैं? बल्ब को, बल्ब को कहते हैं, बिल्कुल है ना। दिस इज बल्ब को ही आप इनकैंडेसेंट लैम्प या फिलामेंट लैम्प कहते हैं, ठीक है ना। फिर ट्यूबलाइट को क्या कहते हैं? ट्यूबलाइट को ये कहते हैं फ्लोरोसेंट लैम्प। तो ट्यूबलाइट को क्या कहते हैं? फ्लोरोसेंट लैम्प। और बल्ब को फिलामेंट लैम्प या इनकैंडेसेंट लैम्प। क्लियर? ट्यूबलाइट को फ्लोरोसेंट कहते हैं। क्लियर होगा? आगे चलेंगे नेक्स्ट। लेकिन ये लाइक वाइक कैसे नहीं बढ़ रहे हैं यार? जितने लाइव हैं उतने लाइक नहीं है, क्या चक्कर है? हाँ बेटा राहुल, वही 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 अभी बताया था ना, फिलामेंट या इनकैंडेसेंट यानी बल्ब का यूनिटी पावर फैक्टर होता है ना। हाँ भाई बताएंगे आप लोग। आज आप लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज न्यूज है, क्लास के एंडिंग में बात करेंगे। देख लो आप जितने लाइव हैं उतने लाइक दिख नहीं रहे हैं अभी भी। हाँ भाई, अगर आप लोग डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड सरफेस के बीच में हाफ कर दो तो इल्यूमिनेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? कल ही इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, आई अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। बताओ अगर आप लोग इसको हाफ कर रहे हो, घटा रहे हो, तो इल्यूमिनेशन बढ़ेगा? इसको हाफ करोगे तो हाफ का स्क्वायर 1/4, 4 ऊपर जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? एंड आई थिंक मैक्सिमम लोगों का आंसर आया है, कुछ का 1/4 भी आया है, तो वहां गलत हो गया है ना। 1/4 नहीं बेटा, 4 टाइम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। आप इसको रिड्यूस कर रहे हो डिस्टेंस को, तो इल्यूमिनेशन तो बढ़ेगा, तो कितना गुना हो जाएगा? लगभग 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, 17 का, 18 का। बिल्कुल, इल्यूमिनेशन की यूनिट ही लक्स होती है, सो इसके लिए लक्स मीटर यूज करते हैं। विच वन? लक्स मीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां आ जाए, दिस इज आंसर देंगे दोनों क्वेश्चन का। इल्यूमिनेशन कैन नॉट मेजर्ड। बताओ किसमें हम लोग इल्यूमिनेशन को मेजर नहीं कर सकते? दिस इज मीटर कैंडला। इसमें आप लोगों को इल्यूमिनेशन मेजर नहीं होता है।
बाकी कैंडल पावर में यानी सीपी में इल्यूमिनेशन आप मेजर करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होता है, ल्यूमिन्स पर स्क्वायर मीटर में लक्स, तीनों में आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ आ जाइए, मीटर कैंडला, इसमें आप मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाओ, ट्यूबलाइट में चौक का क्या काम होता है, सॉरी चौक किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, रेजिस्टर, इंडक्टर और आयोनाइजेशन बायमेटालिक कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? एवरीवन नोज चौक जो होती है वो प्योर इंडक्टिव होती है, तो इंडक्टेंस के इफेक्ट पे काम करती है। चौक का मतलब चौक कोइल होता है, चौक का मतलब क्या होता है, चौक कोइल, चौक का मतलब हमारा चौक कोइल से है, ठीक है, चौक कोइल से है, ठीक है, और कोइल आपका इंडक्टिव होता है। बताएं विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ब्राइटनेस की यूनिट कल लिखाई थी, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इसकी एनआईटी नेट, और एक्चुअल यूनिट कैंडल पर मीटर स्क्वायर कल लिखाई आप लोगों को नॉट करके। कैंडला इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिन, बिल्कुल सही है। यूटिलाइजेशन इज फॉर डायरेक्ट लाइट इज जनरली 0.4 से 0.6 के बीच में होता है डायरेक्ट लाइट के लिए यूटिलाइजेशन, ठीक है ना, इनडायरेक्ट के लिए और ज्यादा कम होता है, 0.1 से 0.2 या कुछ लिखा रखा है, शायद मैंने कॉपी में लिखा रखा है। किसी को नोट्स चाहिए पूरा यूटिलाइजेशन का, तो उसके लिए ग्रुप बना रखा है मैंने, तो आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हो, है ना, तो आप लोगों को यूटिलाइजेशन के नोट्स भी सेंड कर दिए जाएंगे। एक स्टूडेंट ने मांग भी रखे हैं, मैंने होल्ड पे रखा हुआ है, आज सेंड करता हूं मैं। CFL बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है क्या? नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिल्कुल नॉट ट्रू पूछा था आप लोगों से, तो फॉल्स स्टेटमेंट आपका लास्ट वाला है, CFL बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। क्लियर? अरे बेटा मेरा मैसेज नंबर था ना, वो क्या नंबर था, 96, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, कुछ था ना, कोई लिखने वाला था अभी, कोई लिखने वाला था शायद अभी, याद नहीं आ रहा ना क्या नंबर था। देखो आया, आया देखो, आया नंबर, आया आया, देखो नंबर आ गया है ना, हाँ भाई बताएंगे। लेकिन आप लोगों के लिए यार वो वाले नोट्स काम के नहीं, आप लोगों के जो शॉर्ट नोट्स है ना वही ठीक है, वही बहुत है ना, बहुत ज्यादा नोट्स हो जाएंगे, उनको पढ़ तो पाओगे नहीं, मंगवा के PDF मांग के और वो रखी रहेगी एज इट इज, रहने दो रहने दो रहने दो, है ना, आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स ही काफी जो मैंने 2 दिन में बताया, जो बताए हैं, है ना। बेटा बुक से पढ़ने बैठोगे सिंह तो बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाओगे, है ना, बुक की जरूरत नहीं है, JB गुप्ता जी ने निकाल रखी है यूटिलाइजेशन की किताब, इतनी मोटी किताब है कहाँ पढ़ोगे उसको, तो उसी का सार लिखा रखा है आप लोगों को शॉर्ट नोट्स में, ठीक है ना। यहाँ आ जाए, विच अमंग द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल, कल ही लिखाया था नॉन कंज्यूमेबल कौन सा वेल्डिंग यूज करता है, TIG टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, तो ये रही टंगस्टन वाली। क्लियर? इसका आंसर किसी ने गलत तो नहीं दिया भाई, देख लेता हूँ मैं, सबने सही दिया है। हाँ भाई, वाई इज द इलेक्ट्रिक वेल्डिंग नॉट डन डायरेक्टली फ्रॉम सप्लाई मैन, मेन सप्लाई से इलेक्ट्रिक वेल्डिंग डायरेक्ट क्यों नहीं की जाती, उसके लिए हम ट्रांसफॉर्मर क्यों यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि ध्यान रखना आप लोग सप्लाई से सीधे बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ नहीं कर सकते, इट इज इम्प्रैक्टिकल टू ड्रॉ हेवी करंट, तो हेवी करंट ड्रॉ करने के लिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, इसकी जगह हम लोग वेल्डिंग के लिए क्या यूज करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जो आपका वोल्टेज कम कर दे और करंट को बहुत ज्यादा बढ़ा दे, ठीक है ना, तो डी इज द करेक्ट आंसर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को, सप्लाई वोल्टेज से मिलने वाले वोल्टेज को बहुत लो कर देता है और करंट को बहुत ज्यादा हाई कर देता है, सप्लाई से सीधे हाई करंट ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, तो हाई करंट बनाने के लिए हम लोग ये करते हैं। सर मेजरमेंट का भी नोट्स कब करवाओ, बेटा मेजरमेंट तो हो गया ना 90 डेज सीरीज में, सबसे पहला सब्जेक्ट वही तो था आप लोगों का, ये 90 डेज वाला जो सीरीज चल रहा है यानी शॉर्ट नोट्स का, इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट मेजरमेंट ही तो था, मेजरमेंट वाले सर ने करवाया था ना बेटा, चेक करना आप लोग, मेजरमेंट का भी बना हुआ है पूरा सीरीज ना, मेजरमेंट वाले सर ने बनवाया हुआ है ना। हाँ भाई, इनके आंसर्स देंगे आप दोनों क्वेश्चंस के, फटाफट से बेटा आंसर देंगे आप लोग, बिल्कुल आरके विजन उसी के लिए मैंने आज आप लोगों का रखा हुआ है, अभी बताते हैं वही सब चीजें आज बतानी है, क्लास में बताते हैं अभी, है ना। हाँ भाई,
इनमें से कौन डिफरेंट है? तो आपको याद है सारे के सारे स्पोर्ट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, ये सब के सब किसके पार्ट हैं? कौन सी वेल्डिंग के पार्ट हैं सबके सब? विच वेल्डिंग इज दिस वन? सबके सब कौन सी वेल्डिंग के पार्ट हैं ये? आर्गन आर्क वेल्डिंग, ये तो अलग हो जाएगा ना। हाँ ये सही आंसर है, इनमें डिफरेंट है। बाकी सबके सब कौन सी वेल्डिंग है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, और एक लिखाई थी प्रोजेक्शन वेल्डिंग, कल लिखाई थी ना। तो ये चार तो अलग होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग ये अलग है ना। हाँ भाई, डीसी जनरेटर कौन सा यूज करते हो आप लोग वेल्डिंग में? तो आपको याद होगा मशीन में भी पढ़ाते हैं आप लोगों को, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। कौन सा वाला? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। क्लियर? ठीक है भाई, 25 क्वेश्चन हो गए, आधे क्वेश्चन हो चुके हैं और आपका आधा टाइम भी हो चुका है क्लास का। मैं बता देता हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनना भाई, आप लोगों के लिए बिग न्यूज है, आरएसीबी, जेईई, आरएसीबी एंड एसएससी, जेईई का तीन बैच जो हैं वो फुल हो चुके हैं, फोर्थ बैच बनने जा रहा है, बैच नंबर 4, वो आप लोगों का मंडे से अनाउंस हो रहा है ना, मंडे से 21 सितंबर से, जिसमें पावर सिस्टम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो मैं पावर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहा हूँ 21 सितंबर से, पावर सिस्टम विल बी स्टार्ट इन दिस बैच। ठीक है, पावर सिस्टम, तो मेरे नंबर तो आप लोगों को भी मिले ही थे, तो एडमिशन एडमिशन का कोई हो तो या तो आप लोगों के पास नंबर हो मैनेजमेंट का तो ठीक है, अदरवाइज मुझे आप लोग मैसेज या कॉल कर देना, आई विल फॉरवर्ड टू दैट। ठीक है ना, या मुझसे कोई पर्सनली सजेशन चाहिए कि सर मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे इस स्टेज पर बैच ज्वाइन करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सर मैं इतना पढ़ चुका हूँ मेरे लिए ये बैच बेनिफिशियल होगा, या मेरे लिए कोई और चीज़ बेटर होगी तो कोई और दूसरा बैच बताओ, कोई प्रैक्टिस बैच बताओ, कोई बुक बताओ, व्हाटएवर, तो उसके लिए मैंने आपको मेरे नंबर दे रखे हैं। मेरे पास जब भी टाइम होता है मैं तो या तो फ्री हूँ तो कॉल पिक कर लेता हूँ, अदरवाइज आपको दोबारा रिटर्न कॉल कर ही देता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है ना, चलें। अरे सौरभ कहाँ जा रहे हो, हैं अभी तो क्वेश्चन बाकी है बेटा। आ जाओ, ठीक है ना, बिल्कुल इसमें कंसेशन होगा बेटा ना, बात करोगे तब पता चलेगा ना। एक कोड वगैरह मिलते हैं फैकल्टी को, तो मैं अपना कोड वोड बता दूंगा आप लोगों को, आपको चाहिए होगा तब, बाकी अभी ठीक है, कॉल वॉल कर लेना, देन वी विल टॉक। अभी तो यहाँ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आपको बता दिया है मैंने, कुछ लोग पूछ रहे थे स्पेशली कौन वीके इलेक्ट्रिकल, तो बेटा 21 सितंबर से पावर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है मंडे से। ठीक है ना, क्लियर? क्लियर नहीं राहुल, मैं सिर्फ पावर सिस्टम पढ़ाता हूँ बेटा, पावर सिस्टम के नोट्स है ना। ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, यहाँ आ जाइए। हाँ भाई, वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर आउटपुट, वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर आउटपुट, अभी बताया था स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, वोल्टेज तो लो और करंट हम लोग क्या रखते हैं, हाई। दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, इज इट? आई थिंक क्लियर होगा, क्लियर 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 क्लियर। ओके नेक्स्ट चलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ना। हाँ भाई, यहाँ जाए, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। रोड, दो रोड को वेल्ड करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? कल ही लिखाया था रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, कौन सा वेल्डिंग? बट वेल्डिंग, आपकी रोड्स को वेल्ड करने के काम आती है। कौन सी वेल्डिंग? बट वेल्डिंग। यहाँ आ जाइए, फ्रेशली पेंटेड लेयर को सुखाने के लिए, ड्राई यानी सुखाने के लिए, मतलब दो प्लेट के बीच में मान लो आप लोगों ने नया पेंट किया है, तो उस पेंट को सुखा, पेंट होता है डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन, उसको सुखाने के लिए आप लोग डाइलेक्ट्रिक हीटिंग यूज करते हो, पेंट को सुखाने के लिए, यानी वही कलर जो पोता हुआ होता है कलर को, ठीक है ना, उसको सुखाने के लिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक हीटिंग यूज करते हैं। ओके, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। चले नेक्स्ट, विकास बहुत लेट, गुड इवनिंग हो रहा है बेटा, क्वेश्चन हो गए 28 क्वेश्चन हो गए हैं, बताओ फटाफट फटाफट आंसर बताओ बेटा। हाँ भाई, हॉट प्लेट, व्हेन अ हॉट प्लेट इज कनेक्टेड टू द मेन, इट्स एलिमेंट बिकम्स रेड हॉट। जब किसी हॉट प्लेट को हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो ये बहुत रेड हॉट कलर की, यानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। बट कॉपर वायर इन द लीड रिमेन कूल, लेकिन कॉपर वायर ठंडा रहता है, ऐसा क्यों होता है? तो बताओ किसी भी मटेरियल के ज्यादा गर्म होने का मेन रीजन क्या हो सकता है? तो इसका मेन रीजन है कि एलिमेंट का रेजिस्टेंस बहुत हाई है कॉपर के कंपैरिजन, इसलिए कॉपर तो ठंडा ही रह गया,
और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा था उसमें आई स्क्वायर आर लॉस ज्यादा हो गया, तो हीट ज्यादा डेवलप होगी और वो ज्यादा टेम्परेचर वाला हो गया, और वो क्या हो गया, ज्यादा टेम्परेचर वाला हो गया। तो आई थिंक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं हुए, क्लियर है। आई स्क्वायर आर लॉस उसी में ज्यादा होंगे जिसका रेजिस्टेंस हाई है, आंसर देंगे इसका। छोटा सा क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द वायर पूछा है, हीटर की आप लोगों को रेटिंग दे रखी है और 1 ओम रेजिस्टेंस पर मीटर है, बताओ हीटर की पावर दे रखी है और वोल्टेज दे रखा है, बताओ पावर और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। पावर है 1000, वोल्टेज है 200 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 1 ओम। ध्यान रखना 1 तो ओम 1 मीटर का है, पर मीटर का है, बट टोटल लेंथ कितनी है इसकी, एल लेंथ, तो टोटल एल लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 × L। यहां से आप लोग लेंथ निकालेंगे, ऊपर 200 का स्क्वायर है तो 200 × 200, एल ऊपर गया 1000 नीचे आया, सो इट विल बी 40 मीटर। सो कौन सा आंसर सही होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो काफी लोगों का मेरे पास आंसर आया है, क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। चलें यहां आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप दोनों क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा, गिव मी द आंसर ऑफ बोथ ऑफ दीज वन, आंसर देंगे। यहां आ जाए, आंसर के अलावा कोई भी दूसरा मैसेज करेगा आई विल ब्लॉक दैट पर्सन परमानेंटली, एक स्टूडेंट अभी मैंने ब्लॉक कर दिया है ना, इसलिए बता रहा हूं, आंसर दें, ओनली टेक्निकल बात, बताएं फटाफट से इसका आंसर बेटा, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए। हाँ भाई बिल्कुल, 31 का काफी लोगों ने आंसर दिया है, हाई रेजिस्टिव मटेरियल यूज करने का मेन पर्पस क्या होता है हीटिंग में, तो ध्यान रखना R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, तो अगर आप लोगों ने हाई रेजिस्टिविटी वाला मटेरियल चूज कर लिया इसका मतलब आपको लेंथ ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल लेंथ कम लेनी पड़ेगी, टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द हीटिंग एलिमेंट आप लोग हाई रेजिस्टिविटी वाला मटेरियल लेते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ हीटिंग इज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पर जो डिपेंड ना करे, इंडक्शन डिपेंड करता है, इंडक्शन तो होता ही फ्रीक्वेंसी एलिमेंट की वजह से, जितना ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा इंडक्शन, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग भी कल बताया, डाइलेक्ट्रिक लॉस ओमेगा सी वी स्क्वायर, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी, रेजिस्टेंस को फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं होता, सो विच हीटिंग विल बी इनडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, इट विल बी रेजिस्टेंस हीटिंग, कौन सा, इट विल बी रेजिस्टेंस हीटिंग, आई थिंक क्लियर होगा, इज इट इलेक्ट्रिक हीटिंग। नेक्स्ट बात करेंगे, These are the two questions. आंसर देंगे फटाफट इनका, आंसर देंगे। बताएंगे इन दोनों के आंसर। तो यहां आ जाए, ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल के लिए क्या लगा होते हैं, थर्मोस्टेट लगे होते हैं, ठीक है, क्या लगे होते हैं, थर्मोस्टेट लगे होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोगों का आंसर सही है, दैट इज ओके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग एलिमेंट, बताओ हीटिंग एलिमेंट में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होनी चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड, तो नॉट रिक्वायर्ड यही है कि हाई टेम्परेचर पे इसका ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, सो बी इज द करेक्ट आंसर, ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए हाई टेम्परेचर पर, जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर हो बढ़िया होना चाहिए, यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट का होना चाहिए ना, दिस इज, तो ऑक्सीडेशन एट हाई टेम्परेचर वाली प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, सिंपल क्वेश्चन है यूटिलाइजेशन के, डायरेक्ट वाले है ना, आप लोगों को थोड़े से शॉर्ट नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है, और उसके अलावा ही ये क्वेश्चन लिए गए हैं, इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है ना, मैक्सिमम आप लोगों को मिल जाएंगे किसी न किसी एग्जाम में। हाँ भाई, विच इलेक्ट्रोड्स यूज्ड इन आर्क फर्नेस आर ऑब्टेंड बाय हीटिंग एट हाई वेरी हाई टेम्परेचर, बताओ कौन सा इलेक्ट्रोड बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करने पर हम लोगों को अकर होता है, विच इलेक्ट्रोड,
यहाँ आ जाओ, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक एकदम, है ना, जीएस की तरह। कुछ टॉपिक हैं बस समझने के, जैसे इल्यूमिनेशन है थोड़ा सा, है ना, बाकी उसमें भी यूनिट्स तो याद रखनी ही है, फॉर्मूला तो याद रखनी ही है, कुछ भी कहो याद तो रखना ही है ना। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो कंट्रोलिंग डिवाइस और एक मोटर। मोटर को कंट्रोल करना ही ड्राइव कहलाता है। बट ड्राइवर क्या करता है, कार को ड्राइव करता है। ड्राइव करने के लिए उसके हाथ में एक तो कंट्रोलर यानी गियर और क्लच एंड ब्रेक होने चाहिए, और वो किसको ड्राइव करता है, गाड़ी को। यहाँ गाड़ी नहीं, कौन ड्राइव होती है, मोटर ड्राइव होती है। तो मोटर को कंट्रोल करने वाला ही कौन होता है, इलेक्ट्रिकल ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। क्लियर 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 क्लियर। सप्लाई और लोड बेटा अभिषेक इसके पार्ट नहीं होते, है ना, ड्राइव्स के पार्ट नहीं होते, है ना, ऐसा होता है ना। ये आप लोगों का कंट्रोल कंपोनेंट है ना, कंट्रोलिंग कंपोनेंट, कंट्रोलिंग डिवाइस। ये आप लोगों की मोटर, और मोटर के साथ सेम शाफ्ट के साथ यहां लगा होता है लोड, और यहां लगी होती है सप्लाई। तो सप्लाई और लोड को छोड़ दो, तो दिस पार्ट इज नॉन एज इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, दिस पार्ट इज नॉन एज इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। क्लियर, चलें। वर्किंग मशीन, बेटा मशीन में तो जनरेटर और मोटर दोनों आ जाते हैं ना राहुल, है ना। यहाँ तो वर्किंग मशीन, मशीन में जनरेटर मोटर दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। तो जनरेटर को कंट्रोल नहीं करता, किसकी कंट्रोलिंग होती है ड्राइव में, मोटर की कंट्रोलिंग होती है, ठीक है ना, इसलिए लिखा ए नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग, गिव मी द आंसर फॉर बोथ ऑफ दीज वन। क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व, कल ही बताया दो अप्रोक्सीमेट, एक ट्रेपेजोइडल एक क्वाड्रिलेटर, बताओ इसमें क्या एब्सेंट था, फ्री रनिंग एब्सेंट। आप इस ग्राफ को अपनी कॉपी में देखें, कल ही बताया था फ्री रनिंग एब्सेंट होती है। फ्री रनिंग कहाँ नहीं होती, जहां पर फ्री रनिंग कहाँ एब्सेंट होती है, जहां पॉपुलेशन अच्छी हो, तो अर्बन वाला आएगा, और अगर अर्बन और सब अर्बन साथ में दे रखा हो तो फिर ये वाला लगाना है। ध्यान रखना, अगर डी ऑप्शन नहीं होता, ये दोनों साथ में नहीं होते, तब आंसर सिर्फ कौन सा आता, बी यानी अर्बन, तब बी आता। कुछ लोग इसका बी भी बोल देते हैं, तो कब, जब अर्बन और सब अर्बन दोनों साथ में ना आए। आपको याद है फ्री रनिंग जनरली कहां पर नहीं होती, तो फ्री रनिंग जनरली वहां नहीं होती या बहुत कम होती है जहां पॉपुलेशन अच्छी खासी हो, तो रूरल के अलावा बाकी जगह पर होती है, बाकी जगह पर एब्सेंट रहेगी, मतलब फ्री रनिंग, ठीक है ना। तो वैसे तो अर्बन ही आता है, या थोड़ी बहुत होती है, बट ठीक है, कर्व के नाम से पूछे तो आप लोगों को दोनों आंसर डालना है, दोनों आंसर डालना है। हाँ भाई, इलेक्ट्रिकल लाइन में स्विच को कौन से वायर से कनेक्ट करते हैं, फेज, न्यूट्रल या अर्थ। तो सबको याद है स्विच को फेज से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, दिस इज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइव वायर बोल सकते हो आप लोग इसको, फेज को क्या बोलते हैं, लाइव वायर, लाइव, LIVE, लाइव वायर। कलर ऑफ अर्थ कल ही बताया, ग्रीन, ठीक है, एवरीवन नोज। हाँ भाई, एलईडी के बारे में क्या, एलईडी किसकी बनी होती है, तो गैलियम आर्सेनाइड की बनी होती है, एंड एक और मटेरियल होता है, दैट इज गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम फॉस्फाइड। ये सब मैंने आप लोगों को सब लिखवा रखा है एकदम डिटेल में, आप वो वाला देखो ना, अगर प्रैक्टिस बैच जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है वो जानते हैं, ये सब करवा रखे हैं, बहुत डिटेल में करा रखे हैं उस बैच में ना, डिटेल में बता रखा है एकदम, जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है दे नोज अबाउट इट। हाँ भाई, यहां आ जाए, बताएंगे ट्रांजिएंट वोल्टेज सबसे ज्यादा कहां पर अकर होता है, कौन से फॉल्ट कंडीशन में अकर होता है, बताएं आप लोग। ट्रांजिएंट वोल्टेज आने के सबसे ज्यादा, तो ट्रांजिएंट वोल्टेज का मतलब बहुत ज्यादा वोल्टेज, तो V बराबर होता है LdIdt, इंडक्टर के अक्रॉस। तो जब बहुत कम टाइम में आप स्विचिंग प्रोसेस करते हो, स्विच को ऑन या ऑफ करते हो, तो ध्यान रखना बहुत ही कम टाइम में स्विचिंग जब भी करते हो, ऑन या ऑफ करते हो, तो वोल्टेज बहुत हाई हो जाता है, और ये रिएक्टेंस ग्राउंडिंग के केस में हो सकता है, रिएक्टेंस यानी इंडक्टर के केस में। ट्रांजिएंट सबसे ज्यादा कौन से, रिएक्टेंस ग्राउंडिंग के केस में।
सॉलिड के केस में जीरो होता है क्योंकि सॉलिड का मतलब इम्पीडेंस ही जीरो होता है, तो वोल्टेज भी जीरो। हाँ भाई, कौन सा मिक्स प्रीफर किया जाता है इफेक्टिव वर्दिंग के लिए? तो मैंने आपको लिखाया हुआ था चारकोल एंड सॉल्ट, तो देख लो आप, चारकोल यानी कोयला और सॉल्ट का मिक्सचर, ठीक है ना। सॉइल को प्रिजर्व रखते हैं ये, और न्यूट्रल या अर्थ वायर का रेजिस्टेंस मिनिमम से मिनिमम मेंटेन रखते हैं। क्लियर है, अर्थिंग में लिखवाया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ आप लोगों की अटैच कर दी जाएगी, ठीक है ना, इसी लेक्चर के साथ यहाँ आ जाए। पर्पस ऑफ अर्थिंग इन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, बताओ अर्थिंग का मेन पर्पस क्या होता है? तो मेन पर्पस यही है, सेफ्टी प्रोवाइड करानी है। क्या प्रोवाइड करानी है? सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, एवरीवन नोज ऑफ द आंसर ऑफ 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेस्टिक लोड, हमारे घर का प्रैक्टिकल लोड कौन से नेचर का है? तो इंडक्टिव का मतलब प्योर इंडक्टिव हो गया, तो आप रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव दोनों कहेंगे। आरएल लोड होता है हमारे घर का, कौन सा लोड होता है? आरएल लोड। कोई भी लोड प्योर इंडक्टिव नहीं होता, रेजिस्टेंस होगा ही होगा। यानी कौन से पावर फैक्टर का होता है? लैगिंग पावर फैक्टर का। विच पावर फैक्टर? लैगिंग पावर फैक्टर, रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव, ठीक है, ओके। हाँ भाई, इसके बारे में तो एवरीवन नोस, ब्लैक कलर किसका होता है? न्यूट्रल का, और ग्रीन कलर कल ही बताया, अर्थ का। क्लियर, देखते ही आंसर देना है, कोई इशू है ही नहीं, ठीक है ना, क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। हाँ भाई, दोनों क्वेश्चन का आंसर देंगे, यूटिलाइजेशन है, जिसको याद है उसको अच्छी लगती है, जिसको याद नहीं है उसको इससे बुरा कुछ नहीं लगता, यूटिलाइजेशन सब्जेक्ट से बुरा पावर सिस्टम में, मतलब आप लोगों को याद होना चाहिए एक बार पढ़ाने के बाद। स्पेशली आप सभी लोग रिवीजन कर रहे हैं, यानी आप सबका एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए यूटिलाइजेशन ना। हाँ भाई, इंडस्ट्रीज कौन सा टैरिफ यूज करती है? टू पार्ट टैरिफ। कौन सा वाला? टू पार्ट टैरिफ, दिस इज, आप लोगों को पढ़ाया जाता है, सब साफ साफ लिखाया जाता है, कोई इशू है ही नहीं। नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट किसका होता है? तो नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट होता है सेमीकंडक्टर्स का। किनका होता है? सेमीकंडक्टर। अब इनमें से सेमीकंडक्टर ढूंढो कौन सा है, इन सब में से कार्बन, और क्या हो सकता था सर? तो सेमीकंडक्टर के एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो है कार्बन, सिलिकन और जर्मेनियम एटसेट्रा, ठीक है। तो यहां पर कौन सा? कार्बन, बाकी सब ये सब कंडक्टर हैं, मैग्नीन एल्यूमिनियम सिल्वर, हमें सेमीकंडक्टर देखना था, ठीक है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन का, दोनों क्या तीनों क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आप। दीज आर द क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चंस। हाँ भाई, पीजो इलेक्ट्रिक का एग्जांपल कौन सा है? सो क्वार्ट्ज इज द पीजो इलेक्ट्रिक, क्वार्ट्ज इज द एग्जांपल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, हाईएस्ट ऑपरेटिंग टेम्परेचर कौन से मटेरियल का है भाई, बताएंगे आप लोग? तो इन सब में सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग टेम्परेचर कैंथल का है। ये टेबल मैंने आप लोगों को, जो मेरे एक्चुअल नोट्स हैं उसमें टेबल बना रखी है सभी मटेरियल के, क्या ऑपरेटिंग टेम्परेचर की, उसमें कैंथल इज द हाईएस्ट। कौन है भाई द बॉडी, कलर कौन सा है? विच रिफ्लेक्ट द एंटायर रेडिएशन, जो पूरी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दे। तो ब्लैक तो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, और रिफ्लेक्ट ब्लैक का जस्ट अपोजिट व्हाइट जो है वो पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये आप लोगों का 50 क्वेश्चंस का सेट जो था प्रैक्टिस सेट, वो कंप्लीट हो चुका है, बाकी यूटिलाइजेशन की कोई लिमिट नहीं है। मैंने 2 दिन में आप लोगों को शॉर्ट नोट्स में ओवरऑल सब कवर करवाया है, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड, क्लियर। तो मेरे ख्याल से आई थिंक क्लियर होगा। 3-part टैरिफ यूज करते हैं राहुल, कौन सा वाला बेटा? 3-part टैरिफ। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, मैं आप लोगों को आगे की थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, ठीक है, क्या रहेगा क्या नहीं एंड ऑल दैट बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दिस इज 1 मिनट, ओके, लिसन, आप लोगों का लिसन वेरी केयरफुली।
कब से? मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक तो 21 सितंबर से, मंडे से आप लोगों का बैच शुरू होने जा रहा है, पावर सिस्टम स्टार्ट होगा, ठीक है ना? सो पावर सिस्टम विल बी देयर। ओवरऑल पूरा थ्योरी एक्सप्लेनेशन, तो जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है या आपका कोई फ्रेंड्स वगैरह तो उसे बता सकते हैं, ठीक है ना? क्लियर? कैंथल बेटा मेटेरियल है, दिनेश मेटेरियल है, जैसे कार्बन होता है, कैंथल होता है ना, मैग्नीशियम होता है, ठीक है ना, मैग्नीन है, नाइक्रोम है, यूरेका है, ये सब हम लोग हीटिंग मटेरियल यूज करते हैं, हीटिंग एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना? राहुल अभी बताया तो बेटा 3-पार्ट टैरिफ, क्लियर है ना? क्लियर है? यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ब्लॉक रेट बेटा पहले यूज होता था, अभिषेक पहले यूज होता था, फ्लैट रेट, ब्लॉक रेट, फ्लैट रेट टैरिफ, ब्लॉक रेट टैरिफ, ये सब पहले यूज होते थे, है ना? ये देखो राहुल बार बार, हाँ मैं ही पढ़ाऊंगा पूरा, ठीक है ना? तो पावर सिस्टम, ठीक है ना, मैं ही स्टार्ट करूंगा 21 सितंबर से, ठीक है ना? आरएसीबी का 4th बैच स्टार्ट हो रहा है ये, एसएससी जेई और आरएसीबी दोनों के लिए रहेगा ये, ठीक है ना? तो मैं इसमें आप लोगों को आरएसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी जेई के अलावा पावर सिस्टम स्टेबिलिटी भी मैं आप लोगों का इसमें कवर करूंगा, ध्यान रखना इस सिलेबस को जब करवाया जाएगा, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी भी पढ़ाऊंगा, आरएसीबी में आता है, एसएससी जेई में नहीं आता, ठीक है? लेकिन दोनों का कंबाइंड बैच है तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, तो एसएससी जेई वालों को या UPPCL वालों को सबको फायदा होगा इसमें, तो जो लोग यूपी से हैं, UPPCL का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखना, हम लोग इसमें ओवरऑल स्टडी करेंगे, हमारा पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, एसएससी जेई वाला सिलेबस तो है पूरा, जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट में बताया भी है, उसके अलावा पावर सिस्टम स्टेबिलिटी होगा, लोड फ्लो एनालिसिस होगा, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी के अलावा लोड फ्लो एनालिसिस, जिसमें एडमिटेंस मैट्रिक्स वगैरह और वो सब है ना। आफ्टर दैट हम लोग फ्रिक्वेंसी ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे, स्पीड गवर्नर का क्वेश्चन आपका एक बार आया हुआ है 2014 के पेपर में, ठीक है ना? तो आपके एसएससी जेई के सिलेबस में यानी कि पेपर में भी आए हुए क्वेश्चन हैं, तो ये सब हम लोग यहाँ इसमें स्टडी करेंगे। तो आप लोगों का आरएसीबी में क्या क्या अलग होने वाला है, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी अलग होने वाला है, स्पीड गवर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से होने वाला है, ठीक है ना? और आप लोगों का स्पीड गवर्नर के अलावा लोड फ्लो एनालिसिस अलग से होगा, और एक दो पॉइंट्स और हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट इन दिस दैट वन, ओके? जो भी होगा वो बात कर लिया जाएगा, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आप लोगों का पावर सिस्टम का ओवरऑल कंप्लीट अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा, क्लियर है? तो श्रद्धांजलि दे दो आज अपने पावर सिस्टम वाले मास्टर को, ठीक है? पूरा पावर सिस्टम मेरी तरफ से कंप्लीट है, आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं आप लोग कि सर हाँ इस टॉपिक में ऐसा कुछ हो सकता था क्या, ऐसा कुछ, तो मेरे ख्याल से तो क्लियर होगा आई थिंक आप लोगों का, ओवरऑल हम लोगों ने पूरा पावर सिस्टम स्टडी किया है, ठीक है? तो तैयारी रखें, आप लोगों के बैक टू बैक सब्जेक्ट हो रहे हैं, मशीन हो गया है, ठीक है ना, नेटवर्क हो गया है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया है, पावर सिस्टम हो गया है, मशीन भी अगर प्लांट होगा तो जरूर आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब कर ही रखा है आप लोगों ने, जिन्होंने नहीं किया कर लेना, तो मशीन का अगर कोई प्लान होगा तो वो जल्द ही आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा, क्लियर है? तो बने रहिए, ठीक है, अपने एसएससी जेई 2019 के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू।